story time. मैं रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, शरारते तो आप सब भी करते होंगे, है ना? उछल कूद, भाग दौड़, कभी पेड़ पर चढ़ना और कभी ट्यूबवेल के ठंडे ठंडे पानी में छलांग लगाना। पर क्या आपने अपनी इन एक्टिविटीज से कभी किसी को हर्ट किया है? कभी नहीं। आप ही की तरह टुई और लुई दो ब्रदर्स हैं। तो चलिए सुनते हैं, क्या वो भी आप ही की तरह शरारते करते हैं? एक विलेज में दो ब्रदर्स रहते थे। वन वॉज नेम्ड लुई और दूसरे का नाम था टुई। वे दोनों ट्विन्स थे, दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम। लुई सीधा साधा शांत नेचर का बॉय था, बट टुई वॉज वेरी नॉटी। सभी उसकी शरारतों से परेशान थे। वह सभी गांव वालों को बहुत परेशान करता था। अक्सर स्कूल जाने के नाम पर टुई नए नए बहाने बनाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। लुई तो गुड बॉय की तरह तैयार होकर स्कूल चला गया, बट टुई ने स्टमक एक का झूठा बहाना बनाया और घर पर ही रह गया। आफ्टर सम टाइम टुई हैड ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट कर वो बाहर विलेज में खेलने चला गया। आज तो उसने जो शरारत की सुनकर आप दंग ही रह जाएंगे। गांव में नत्थू काका ने काऊ पाल रखी थी, गाय पाल रखी थी और उस काऊ का एक काफ भी था। नत्थू काका ने काफ को रस्सी से बांध रखा था। टुई को तो शैतानी सूझी थी, उसने चुपचाप बछिया को खोल दिया। छोटी सी काफ अपनी माँ के पास गई और सारा दूध पी गई। अपनी शैतानी पर खुश होकर टुई पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था। जस्ट देन नत्थू काका केम आउट ऑफ हिज हाउस। उन्होंने काफ को खुला देखा और पास ही खड़े होकर हंस रहे टुई को जोर से डांट लगाई और बोले, What have you done? ये तुमने क्या किया? मेरा नुकसान कर दिया ना? Who are you? तुम हो कौन? लुई या टुई? अभी जाकर तुम्हारी मम्मी से कंप्लेन करता हूँ। I am लुई। मैं तो लुई हूँ। मैं तो काफ के साथ खेल रहा था। वह तो खुद ही खुल गई। आपने उसकी रूप टाइट जो नहीं बांधी थी। ऐसा कहकर नॉटी टुई रैन अवे फ्रॉम देयर। टुई आगे बढ़ा। ही सॉ बूढ़ी अम्माज मैंगो ऑर्चर्ड। उसने बूढ़ी अम्मा का मैंगो ऑर्चर्ड देखा। ऑर्चर्ड में सभी ट्रीज में ढेर सारे मैंगोज लगे हुए थे। टुई ने स्टोन्स मारकर मैंगोज तोड़ने की कोशिश की। उसने कई बार स्टोन्स थ्रो किए। ही डिड नॉट गेट इवन वन मैंगो। मैंगो तो हाथ नहीं लगा, लेकिन उसी ट्री पर बैठे कुकू बर्ड पर स्टोन लग गया। द बर्ड गॉट इंजर्ड। चोट लगने से बर्ड नीचे गिर गई। द बर्ड स्टार्टेड क्राइंग इन पेन। हियरिंग द बर्ड क्राई,
बूढ़ी अम्मा केम आउट ऑफ द हाउस और टुई को वहां देखकर वह उसे जोर से डांटने लगी। What have you done? ये तुमने क्या किया? You have injured my cuckoo bird. तुमने कुकू बर्ड को चोट पहुंचा दी है। यह तो बहुत बुरी बात है। By the way, who are you? लुई या टुई? मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कंप्लेन करती हूँ। I am लुई। कुकू को मैंने हर्ट नहीं किया। वह तो ट्री पर सो रही थी और जैसे ही उसने करवट ली, she fell down from the tree. वह पेड़ से नीचे गिर गई। उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ नहीं किया। ऐसा कहकर he ran towards his house. लुई का स्कूल से लौटने का टाइम जो हो गया था। उधर लुई की स्कूल की छुट्टी हो गई और वह अपने घर लौट रहा था। On his way, he saw बूढ़ी अम्मा। वह कुकू बर्ड को बैंडेज बांध रही थी। वह पास गया और बोला, What happened to her, amma? बूढ़ी अम्मा लुई को पहचान नहीं पाई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, लुई और टुई दोनों बिल्कुल सेम टू सेम दिखते थे। बूढ़ी अम्मा अब गुस्से से बोली, You are back again. Go away from here. तुमने मेरी कुकू बर्ड को स्टोन मारकर हर्ट किया था ना? आई एम एंग्री विद यू। लुई डिड नॉट से एनीथिंग। ही लेफ्ट दैट प्लेस एंड वॉक्ड टुवर्ड्स हिज हाउस सैडली। जैसे ही वह नथु काका के घर के आगे से गुजरा, वे भी दोनों ब्रदर्स के ट्विन्स होने के कारण लुई को पहचान नहीं पाए और गुस्से से बोले, You are back again. Go away from here. तुमने आज मेरा कितना नुकसान कर दिया है। मेरी काऊ का सारा मिल काफ को पिला दिया। अब हम लोग क्या पियेंगे? I am angry with you. लुई बिकेम वेरी वेरी सैड। उसे बहुत बुरा लगा। जो शरारतें उसने की ही नहीं थी, उसकी डांट उसे पड़ रही थी। अब वह गुस्से में घर पहुंचा। अब हुआ यूं कि जैसे ही लुई घर पहुंचा, he kept his bag aside and said to टुई, आज तुम्हारी वजह से बूढ़ी अम्मा एंड नथु काका scolded me. They were angry with me. Do you have any idea why did they scold me? Why were they angry with me? टुई said politely, मैंने तो कुछ नहीं किया। What happened, भैया? Have you done any mischief? क्या तुमने कोई शरारत की है? लुई asked, Did you go out today? क्या तुम आज बाहर गए थे? Please tell the truth. टुई ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा, भाई, I have not done anything. I did not even go out of the house today. मैं तो आज घर से बाहर गया ही नहीं। My stomach is aching. मेरा तो पेट दर्द हो रहा है। देखो, मैं तो घर पर ही रेस्ट कर रहा हूँ। Louis asked angrily. तो क्या बाहर सब झूठ बोल रहे हैं? Is everyone lying? अब टुई डर गया था। He was very scared. और जल्दी से बोला, Yes, yes, they all are lying. मैंने नत्थु काका की काफ को अंटाई नहीं किया और ना ही बूढ़ी काकी की कुकू बर्ड को इंजर किया। मैंने तुम्हारा नाम भी कहीं नहीं लिया। Now, Louis spoke in a loud voice. अब बस भी करो। Enough of everything. Keep quiet now. अगर तुम बाहर गए ही नहीं, तो तुमको कैसे पता कि काका की काफ और अम्मा की कुकू के साथ क्या हुआ?
इन दिस वे टू इज लाई वॉज कॉट, उसका झूठ पकड़ा गया। ही फेल्ट अशेम्ड, और उसने नथू काका, बूढ़ी अम्मा और अपने भाई टूई से माफी मांगी और बोला, आई एम सॉरी नथू काका एंड आई एम सॉरी अम्मा, आई एम सॉरी यू ऑल्सो ब्रदर, और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही किसी को हर्ट करूंगा। एट लास्ट टूई लर्नड अ लेसन, वी शुड नेवर लाई एंड हर्ट अदर्स, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए।